बिग बॉस के इतिहास में एक और इतिहास जुड़ चुका है जिसकी सजा पूरे घर वालों को मिल रही है। लेकिन इस घर वालों को मिल रही सजा के चलते अर्शी खान ने निकी तांबोली को क्या धमकी दे डाली है बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वह आपको बता दूं कि बिग बॉस के घर में क्यों की एलिगोनी और निकी तांबोली ने नॉमिनेशंस को डिस्कस किया है जिसके चलते सभी घर वालों को कर दिया गया है नॉमिनेटेड। जी हाँ, और इस नॉमिनेशंस के बाद में निकी तांबोली को जरा भी रियलाइजेशन नहीं था कि आखिरकार उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। जिसके बाद अर्शी खान चिल्लाती नजर आई निकी तांबोली के ऊपर और ये कहती हुई नजर आई है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, तुम कितनी बेशरम हो। इतने में निकी तांबोली बाहर आती हैं और कहती हैं बिग बॉस क्या है यार। तो यहाँ पर वो कहती है हाँ ये यार लग रहा है ना बिग बॉस, यहाँ पर ये अपने घर से उठाकर लेकर आई है बिग बॉस को। इसके बाद में एक डायलॉग जो दिखाया जो प्रोमो में दिखाया गया ना आपको वो बता रही हूँ। तो यहाँ पर एक डायलॉग और दिखाया गया जिसपे अर्शी खान ये कहती है कि मैं निकी तांबोली का अब इस घर में रहना इतना दुश्वार कर दूंगी कि वो खुद ही जाने के लिए कहेगी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि इस हफ्ते देख लेना निकी तांबोली ही घर से बेघर होंगी। वेल, ये तो नहीं पता कि अर्शी खान के इस वर्ड्स पर कि निकी तांबोली घर से बेघर होगी या नहीं होगी, लेकिन अब अर्शी खान ने ये कहा है कि वो निकी तांबोली के पीछे पड़ने वाली है तो ये डेफिनेटली होने वाला है। अब ऐसे में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या लगता है, अब अर्शी खान अगर निकी तांबोली के पीछे पड़ेगी तो क्या पुरानी वाली निक्की जो कि हमेशा से अपनी जिद के आगे चलती आई है क्या वो वापस आएगी? वेल, राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।